हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे जी। तो देखिए, हमने यहाँ पर ये कपड़ा ले लिया है, एक हमने यहाँ पर लेस ले ली है और हमने यहाँ पर बुकरम ले ली है, और कटिंग के लिए सीजर और नाप के लिए हमने इंच टेप ले लिया है। और ये देखिए हमारी ये टेट्रॉन है, एक साइड से चिपकाने वाली है और एक साइड से हमारी वैसी है। तो हमने इसकी लंबाई ले ली है 22 इंच। तो हम 22 इंच की हम यहाँ पर दो पट्टी ले लेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर दो पट्टी कट कर ली हैं। अब ये देखिए हम इस पर सीध उल्टी साइड लेस पर, जिधर हमारी चिकनी सी है पिन्नी कैसी, उधर को हम कपड़े पर रख कर प्रेस से चिपका लेंगे हम कपड़े पर भी और इस लेस पर भी। ये देखिए हम इस पर कपड़े पर 1 इंच ऊपर कपड़ा रखते हुए इस पर हम चिपकाएंगे। ये देखिए हमने प्रेस से चिपका ली है। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें एक एक आप आप इंच मार्जिन कपड़ा रखते हुए इसमें कटिंग की है। और ये देखिए बीच से हम इस कपड़े को डबल करते हुए बुकरम हमारे अंदर की साइड आ जाएगी, और एक पैर का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पर। आप किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हैं बुकरम के। ये देखिए ऐसे ही हम पूरे पर हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। ये देखिए 1/2 इंच रखते हुए इसको हम कट करेंगे। कपड़ा हमारा कट हो चुका है। ये देखिए अब हमने इस पर जो बुकरम चेक पकाई थी लेस पर, जो हमने सिलाई लगाई उसी के ऊपर हम इस लेस को भी अटैच करेंगे। ये देखिए हमारी लेस अटैच हो चुकी है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे। ये देखिए हम जो हमने एक्स्ट्रा लेस बुकरम से जाता जो कपड़ा था हमारा, उसको डबल फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, ताकि कपड़े से हमारे धागे ना निकलें। ऐसे ही हम इधर भी लगा लेंगे। ये देखिए हमारे दोनों, आप चाहे तो हमारे लेस जो है नीचे उस पर भी हम आप सिलाई लगा सकते हैं, वैसे ये निकलेगी नहीं। अब ये देखिए जिधर हमारी बंद साइड थी उधर हम इसमें छोटी छोटी प्लेट्स भरते हुए पूरे कपड़े में स्टिच कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये इसमें टेट्रॉन है, तो हमारी टाइट प्लेट्स भरी जाएंगी, तो इसमें आप बारीक बारीक प्लेट्स भरते हुए पूरे पे ही प्लेट्स भर लेंगे इसमें। ये देखिए हमारी पूरे में प्लेट्स हो चुकी हैं। अब ये जो हमारी प्लेट्स हैं इन पे हम प्रेस करेंगे, ताकि ये एक जगह सेट हो जाएं। ऐसे ही हम पूरे पे प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमारी पूरे पे प्रेस हो चुकी है। अब बीच में हम निशान लगाएंगे, यहाँ पर हमें अपनी मतलब स्टेप लगानी है वो। ये देखिए हमने यहाँ पर 1-1 इंच की स्टेप लगा, 1 इंच आधा मतलब 1 इंच 1.5 इंच चौड़ी हमने कपड़ा कटिंग किया था, और 4 इंच लंबाई कट की थी। दोनों को डबल फोल्ड करते हुए सिल लिया था, हमारी वो क्लिप कट चुकी है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर डबल जो सिलाई करी थी, तो बीचों बीच हमने 1 इंच पर बीचों बीच दोनों पट्टे एक साथ जोड़ लें, सिलाई कर ली है। और ये जो हमने प्लेट्स डाल के एक इसकी घघरी स्टार्ट की, स्टिचिंग की थी, अब हम उस पर बीचों बीच इस पट्टी को लगा देंगे। ये देखिए ये हमारी पीछे की साइड जाएगी, और हमारे जो किनारे उस पर डबल फोल्ड करते हुए इसको हम फोल्ड कर देंगे, सिलाई कर देंगे। और ये देखिए हमने ये 6 इंच लंबी और ये 1.5 इंच चौड़ी थी हमारी, ये इसको डबल फोल्ड करके हमने इसको सिल लिया है। ये हमने दो स्टेप ली हैं, इनको हम किनारे से जॉइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे इसी तरह उधर भी जॉइंट करेंगे हम।
देखिए हमारी जॉइंट हो चुकी हैं। ये हमारी ड्रेस बन करके तैयार है, कान्हा जी की ड्रेस जन्माष्टमी के लिए। ये देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि ड्रेस कैसी बनी। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर ए वीडियो।